आए थे बताओ? हाँ, परिनालिका हो गया था ना। परिनालिका क्या है वो बता दो, क्या था परिनालिका? एक अचालक माध्यम का बेलन जिसकी लंबाई की तुलना में व्यास बहुत छोटा हो। एक अचालक माध्यम का बेलन जिसकी लंबाई की तुलना में व्यास बहुत छोटा होता है, और यदि इसके ऊपर एक कॉपर की कुंडली या तार, बोलो कॉपर की कुंडली बोल दो, है ना, कुपर कॉपर की कुंडली लपेट दी जाए, तो इस व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं, सोलेनोइड कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? सोलेनोइड। इंग्लिश से क्या कहा जाता है? सोलेनोइड। तो जैसे देखो यहाँ ये एक अचालक माध्यम का बेलन है, अरे समझ रहा है कि नहीं? ये अचालक माध्यम का क्या है? बेलन है, और इसके ऊपर अगर एक हम कुंडली लपेट दे, किसका बोलो? कॉपर का। एक कॉपर का कुंडली लपेट दिया जाए, कॉपर का कुंडली बोलो लपेट दिया जाए, इससे क्या प्रवाहित कर दिया जाए? बोलो धारा। तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं बोलो? परिनालिका कहा जाता है, और इसमें कंडीशन यह है कि परिनालिका की लंबाई बहुत ज्यादा है। तो परिनालिका की लंबाई बहुत ज्यादा है और व्यास बहुत ही क्या है? छोटा है। यहां तक पढ़ा दिए थे। अच्छा, बताए थे कि जब परिनालिका से धारा प्रवाहित किया जाता है तो एक चुम्बक की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? चुम्बक की तरह व्यवहार करता है, चुम्बक की तरह व्यवहार करता है। यानी कि हम ऐसे पढ़ाए थे कि जब किसी वृत्ताकार पथ में धारा क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित होता है, कौन से दिशा में? तो सामने वाला फेस साउथ पोल की तरह व्यवहार करेगा। कैसे व्यवहार करेगा? साउथ। याद है कि नहीं? कौन सा रूल? राइट हैंड रूल। हम अपने दाएं हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि चारों उंगलियां क्या बताए? धारा की दिशा। तो अंगूठा चुम्बक के क्षेत्र बी की दिशा को बताएगा। तो ऐसे रखेंगे हाथ को, बोलो हाँ ना, चारों उंगलियां क्या बता रहा है? धारा की। अंगूठा किधर बता रहा है? अंदर की ओर। मतलब यह अंगूठा चुम्बक के क्षेत्र बी की दिशा को बताएगा, और चुम्बकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में आती। मतलब पीछे से चुम्बकीय बल रेखाएं जरूर निकल कर कहां आ रही होगी? साउथ पोल में आ रही होगी। मतलब पीछे वाला होगा नॉर्थ पोल और आगे वाला होगा साउथ पोल। बताए देगी नहीं? और यदि किसी वृत्ताकार पथ में धारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित होता है तो सामने वाला फेस नॉर्थ पोल की तरह व्यवहार करता है। बताए थे, ट्रिक भी बताए थे। जैसे हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज, तो क्लॉक में क्या, अच्छा सुनो, जैसे हम बोलेंगे एंटी क्लॉक, क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉक। तो प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है? एन। तो सामने वाला फेस नॉर्थ पोल, एन से बोलो एंटी से नॉर्थ पोल, एंटी से क्या हो जाएगा? और जैसे बोलेंगे क्लॉक, तो क्लॉक में कहीं प्रोनाउंसिएशन में आना आ रहा है? नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा इसका मतलब क्या मान लेंगे? साउथ। तो तरीका होता है याद रखने का, कोई दिक्कत है क्या? तो परिनालिका क्या समझ में आया? तो जब परिनालिका से धारा प्रवाहित किया जाता तो एक चुम्बक की तरह व्यवहार करता है, बोलो हाँ ना, अर्थात इसका एक फेस नॉर्थ पोल और दूसरा फेस कितना होगा? साउथ पोल। बोलो कोई तकलीफ? तो यहां से देखो क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे जा रहा है करंट, मतलब कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो सामने वाला फेस साउथ पोल, तो ये वाला होगा साउथ पोल, और जबकि क्या होगा? ये वाला नॉर्थ। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर कहां जाएगी? साउथ पोल। अरे बोला हाँ यार, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर कहां जाएगी? साउथ। और फिर साउथ से जाएगा नॉर्थ, फिर साउथ से कहां जाएगा? नॉर्थ। अरे बोलो यार, और फिर चुंबक मतलब परिनालिका के अंदर, कहां बोलो? परिनालिका के अंदर जाएगा साउथ से नॉर्थ। क्या चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती है? नहीं, चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती बताए ना? अगर काटेगी तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे हो जाएगा? दो, जो कि संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर एक ही दिशा होनी चाहिए, क्योंकि एक सदिश राशि है। सब बताए थे चुंबकीय बल रेखा जो पढ़ा रहे थे तब भी बताए, विद्युत बल रेखाएं पढ़ाए थे तब भी बताए थे, बताए थे कि नहीं? देखो मान लो इधर से 500, सुनो रे बबुआ, मान लो इधर से 500 निकला और इधर से भी कितना निकल रहा है? 500। अरे भाई ऊपर मान लो 500 है, नीचे क्या है? तो ये बहुत ही पतला है, पतला है कि नहीं है? इसका व्यास बहुत ही छोटा है, तो इसके बीच में तो 1000 होगा। अरे बोल हाँ ये ना, मतलब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बहुत ही शक्तिशाली होती है, और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। लेकिन किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति कितना होगा? म्यू नॉट एन आई बाई टू। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और परिनालिका के किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू नॉट एन आई बाई टू। तो यहां तक परिनालिका पढ़ाए थे, बोलो कोई दिक्कत है? इसमें कुछ कंसेप्ट पढ़ाए थे, कंसेप्ट ये पढ़ाए थे कि एल जो है वो क्या है? परिनालिका की कुल लंबाई। एल क्या है? एल है परिनालिका की कुल लंबाई। स्मॉल एन जो है वो क्या था बच्चा? प्रति एकांक लंबाई में लपेटों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में लपेटों की संख्या। लेकिन अगर हम बोले आई क्या था, तो आई है प्रत्येक लपेट से बहने वाली धारा। अगर एक लपेट से बहने वाली धारा आई है, तो एन लपेट से बहने वाली धारा कितना होगा? एन आई।
क्या होगा एन आयन। क्या बात समझ में आ गया? अरे समझ रहा है। तो देखो L इक्वल टू हो गया पारिनालिका की लंबाई, स्मॉल n इक्वल टू होगा प्रति एकांक लंबाई में लपेटों की संख्या, और I इक्वल टू होगा प्रत्येक लपेट से बहने वाली धारा। बोलो एक और लिख लेना इसी में, कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब होता है परिनालिका में कुल लपेटों की संख्या, या फिर परिनालिका में कुल लंबाई में लपेटों की संख्या। कुल लंबाई में लपेटों की लिखो कैपिटल N इक्वल टू, क्या लिखा कैपिटल एन इक्वल टू परिनालिका के कुल लंबाई में लपेटों की संख्या, परिनालिका के कुल लंबाई में लपेटों की संख्या, परिनालिका के कुल लंबाई में लपेटों की संख्या, परिनालिका के कुल लंबाई में लपेटों की संख्या। चलो देखो यहां फटाफट देखेगा ना बच्चा लोग, देखो यहां इधर देखो, हम बोले परिनालिका की कुल लंबाई कितना है एल, एकांक लंबाई में लपेटों की संख्या कितना है स्मॉल एन। अरे बोलो हाँ या ना, एकांक लंबाई में लपेटों की संख्या को क्या बोलते हैं स्मॉल एन। तो एकांक लंबाई में लपेटों की संख्या स्मॉल एन है, तो एल लंबाई में लपेटों की संख्या कितना होगा एल एन होगा, और एल लंबाई में लपेटों की संख्या को एल एन जो है वो क्या है कुल लंबाई में लपेटों की संख्या, यानी कि कैपिटल एन इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो एल एन। क्या हो जाएगा बोलो एल एन। तो यहां से याद रखना कैपिटल एन इक्वल टू कितना होगा बोलो एल एन। कोई तकलीफ? देखो अब हम लोग बात करते हैं टोरोवाइड का। किसका बात करेंगे बोलो, बोलो जोर से टोरोवाइड। क्या होता है टोरोवाइड देखते हैं, क्या होता है टोरोवाइड, हुआ मिटाया इसको। इतना याद रहेगा ना तो फटाफट बोलो एल क्या है, एल क्या है एल, जोर से बोलो आवाज आना चाहिए। हाँ एक एक बोलो, एक साथ बोलो, बोलो कैपिटल एन इक्वल क्या है परिनालिका में कुल परिनालिका के कुल लंबाई, परिनालिका की कुल लंबाई। समझ में आ गया? स्मॉल एन क्या है एकांक लंबाई में लपेटों की संख्या, आई क्या है प्रत्येक लपेट से बहने वाली धारा। याद रखना दिमाग में, न्यूमेरिकल बनाना है इसी से, समझा कि नहीं, क्लियर हुआ? और क्या कैपिटल एन इक्वल टू क्या है कुल लंबाई में लपेटों की संख्या, एकांक लंबाई में लपेटों की संख्या अगर एन है स्मॉल एन है तो कुल लंबाई में लपेटों की संख्या एल एन। अरे एल है ना, कुल लंबाई कितना है एल, तो एकांक लंबाई में लपेटों की संख्या अगर स्मॉल एन है तो कुल लंबाई में लपेटों की संख्या कितना होगा एल एन होगा। क्या होगा बोलो एल एन, याद रहेगा? अरे बोलो हाँ ये ना। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा टोरोवाइड। क्या बात करेंगे बोलो टोरोवाइड। तो टोरोवाइड क्या है बात तो समझो, वास्तव में टोरोवाइड परिनालिका ही है। टोरोवाइड क्या है परिनालिका ही है। बोले सर कैसे, देखो बता रहे, जब परिनालिका को मोड़कर, जब परिनालिका को परिनालिका भी पढ़ा है ना, देखो यहां इस परिनालिका को क्या करेंगे, इस परिनालिका को मोड़कर, लो देखो समझ रहा कि नहीं, इससे क्या हो गया बोलो आई, और यहां से आई निकलेगा बाहर बोलो हाँ ना, करंट बहेगा। परिनालिका ये परिनालिका है, जब परिनालिका को मोड़कर इसे वृत्त बना दिया जाता है, क्या बना दिया जाता है वृत्त, समझ में आता है ना, जब परिनालिका को मोड़कर इसे वृत्त का रूप दे दिया जाता है तो उसे टोरोवाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो टोरोवाइड, नाम बदल दिया क्योंकि इसका आकार कैसे, इसका आकृति क्या हो गया वृत्ताकार, समझ में आ गया। तो जब परिनालिका को मोड़कर, अरे बोलो हाँ ना, अरे समझ रहा है ना, मोड़ कर क्या बना दिया जाता है वृत्त बना दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं बोलो टोरोवाइड कहते हैं। क्या कहते हैं टोरोवाइड। तो पूछेगा कि टोरोवाइड के अंदर चुंबक के क्षेत्र का मान कितना होगा, अरे बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, अरे है तो ये परिनालिका ही ना। जैसे मान लो एक राधा नाम की लड़की है, किसकी नाम की लड़की है, लो राधा ना गधा सुना रही राधा, मान लो राधा नाम की एगो लड़की है, इसे दुल्हन बना दिया गया, क्या बना दिया बोलो, तो क्या दुल्हन बनाने से लड़का से लड़की हो जाएगी, तो लड़का से लड़की हो जाएगी, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या लड़की से लड़का हो जाएगी, नहीं ना, राधा थी तब भी वो लड़की थी, दुल्हन बनी तब भी क्या है लड़की है, क्या उसका रूप बदल दिया गया है, समझ में आ गया कि क्या बोले सुना नहीं समझा, बोलो कहीं का एकदम दुल्हन, क्या बोले बोलो दुल्हन। अब मान लो
अरे फॉलो फॉलो में लिखा जाता है, ये सब डेंजर चीज है ना दुल्हन, इसलिए दुल्हन। सुनो मेरा बात सुनो, कहने का मतलब राधा को सजा के क्या बना दिया गया है, दुल्हन। तो इसका मतलब सिर्फ राधा का रूप बदल दिया गया है, तो लड़की है ना, ना लड़का हो जाएगी, नहीं ना, बात समझ में आया। उसी तरह परिणी, देखो टोरो वाइड वास्तव में क्या है, परिणालिका ही है, सिर्फ इसका क्या बदल दिया गया है, रूप। समझ में आया कि नहीं? जैसे यहाँ दुल्हन का क्या बदल दिया गया है, रूप बदल दिया गया है, राधा का क्या बदल दिया गया है, रूप बदल दिया गया है, राधा को क्या बदल दिया गया, रूप। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, दुल्हन। तो क्या ये लड़का लड़की नहीं है, है? लोल कहीं का, चलो ठीक है, समझ गया, छोड़ा हटाओ, इतना दिमाग नहीं लगाना। इसका मतलब जो जो क्वालिटी दुल्हन के पास है वही क्वालिटी राधा के पास होगा, हाँ समझा ना, क्या ना बदल जाएगा क्वालिटी, क्वालिटी नहीं बदलेगा अब, अरे है तो वही ना, सिर्फ रूप बदल दिया गया। तो उसी तरह इसका मतलब है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो टोरोवाइड के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बी इक्वल टू, क्वालिटी थोड़े बदलेगा उसका, सिर्फ क्या बदल दिया गया है, रूप। समझ में आया, अब समझ गया, तो याद रखना। तो जब परिनालिका को मोड़ कर वृत्त का रूप दे दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, टोरोवाइड। तो टोरोवाइड के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होगा, कोई तकलीफ, लिख लो, देखो टोरोवाइड को हिंदी इंग्लिश दोनों से टोरोवाइड लिखते हैं, समझा ना, हिंदी से भी टोरोवाइड बोलते हैं, इंग्लिश से भी टोरोवाइड ही बोलते हैं। क्वेश्चन क्या है, टोरोवाइड क्या है, लिख के डेस दे दो, हो गया। तो टोरोवाइड क्या, समझ में आया, लिखो, जब परिनालिका को मोड़कर वृत्त का रूप दे दिया जाता है, जब परिनालिका को मोड़कर वृत्त का रूप दे दिया जाता है, जब परिनालिका को मोड़कर वृत्त का रूप दे दिया जाता है, हुआ, जब परिनालिका को मोड़कर किसका रूप दे दिया जाता है, वृत्त का रूप दे दिया जाता है, तो उसे टोरोवाइड कहते हैं, तो उसे टोरोवाइड कहते हैं। जब परिनालिका को मोड़कर वृत्त का रूप दे दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बोलो, टोरोवाइड कहते हैं। एकदम सिंपल है, सिंपल है कि नहीं है, सिंपल है। लिखो, टोरोवाइड के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होगा, टोरोवाइड के अंदर भी, टोरोवाइड के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होगा, बी इक्वल टू क्या होगा, बोलो, म्यू नॉट एन आई, बी इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट एन आई होगा, बी इक्वल टू क्या होगा, बोलो, म्यू नॉट एन आई। समझ में आ गया, तो क्वेश्चन पूछेगा परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान, जल्दी बोलो, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, परिनालिका के किनारे पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B इक्वल टू, B इक्वल टू, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान जीरो, नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, नगण्य मानकर क्या करते हैं, छोड़। पूछेगा टोरोवाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, समझा कि नहीं, अरे वास्तव में टोरोवाइड है क्या, परिनालिका ही है, समझ में आ गया, सिर्फ इसका क्या बदल दिया गया है, रूप बदल दिया गया है, कोई दिक्कत है। क्वेश्चन लिखो, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से, एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ाया ना, ठीक है, लिखो, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से, लिखा, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर, लिखा, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करें, इंपॉर्टेंट है ये सब, लिख लिया, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करें। जानता है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है ना, प्रूव करना है किसका उपयोग करके, एम्पियर का परिपथीय नियम, पढ़ा दिया एम्पियर का परिपथीय नियम, क्या होता है एम्पियर का परिपथीय नियम बताओ, किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र बी का
रेखा समाकलन, बंद परिपथ के अंदर से बहने वाली कुल धारा, बंद परिपथ के अंदर से बहने वाली के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? म्यू नॉट गुना। समझ में आ गया? कितना गुना के बराबर होता है? म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। तो किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखा समाकलन है ना, बंद परिपथ के अंदर से बहने वाली कुल धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। इसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहा जाता है। पढ़ा दिए ये सब है कि नहीं? याद भी होगा, थोड़ा सा हम याद दिला देते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल याद है कि नहीं है? और इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। अरे यही था कि नहीं? इस पूरे टर्म को क्या पढ़ते हैं? चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखा समाकलन। अरे बोलो आया ना? चुंबकीय क्षेत्र बी का बंद परिपथ से बहने वाली कुल धारा, याद करो जो हम लोग परिपथ लिए थे उससे बहने वाली कुल धारा कितना था? आई। और के कितना के गुना के बराबर होगा? म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। म्यू नॉट का वैल्यू जानता है? म्यू नॉट को क्या कहते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता। क्या बोलते हैं? निर्वात की, जिसका मान कितना होता है? 4π × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर। याद है? वेबर, वेबर किसका मात्रक था? चुंबकीय फ्लक्स का। पढ़ाएंगे तो बता देंगे, है ना? किसका मात्रक था? चुंबकीय फ्लक्स। बोलो कोई दिक्कत है? तो चलो इसको देखो, बताते हैं। लिखो सीधे, लिखो लिखो माना कि, लिखो L इक्वल टू परिनालिका की लंबाई। सीधे लिखो, माना कि L इक्वल टू परिनालिका की लंबाई। लिखा कि नहीं लिखा? माना कि L इक्वल टू परिनालिका की लंबाई। देख लिया? L इक्वल टू क्या है? परिनालिका की लंबाई। स्मॉल n क्या है? तुम लोग इसे पढ़ा दिए हैं पहले। प्रति एकांक लंबाई में लपेटों की संख्या, स्मॉल n इक्वल टू लिखो, प्रति एकांक लंबाई में लपेटों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में लपेटों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में लपेटों की संख्या। लिखा? प्रति एकांक लंबाई में लपेटों की संख्या। I क्या है बच्चा? बोलो फटाक से। प्रत्येक लपेट से बहने वाली धारा, प्रत्येक लपेट से बहने वाली धारा, प्रत्येक लपेट से बहने वाली धारा। लिख लिया? और B इक्वल टू लिखो चुंबकीय क्षेत्र, B इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र, B इक्वल टू क्या लिखेगा बोलो? चुंबकीय क्षेत्र। B इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो? चुंबक। अब सुनो, अब हम एक परिनालिका लेते हैं और प्रूफ करेंगे। देखो मान लो यहां पे एक परिनालिका है, टेढ़ा ले तो कोई दिक्कत होगा क्या? चलो यहां पे एक परिनालिका है, क्या है बोलो जल्दी? परिनालिका है, परिनालिका, इसमें एक तार लपेट देंगे ऐसे। अरे बोलो हाँ या ना? चलो अब पता है इस पूरे परिनालिका की लंबाई कितना है बोलो? एल। इस पूरे परिनालिका की लंबाई क्या है? एल। अब इस परिनालिका के, इस परिनालिका से होते हुए, मतलब इस परिनालिका के अंदर से होते हुए एक हम लोग बंद आयताकार की कल्पना करेंगे। किसकी कल्पना करेंगे? अरे बंद परिपथ कुछ भी ले सकता है, लेकिन लिया वही जाता है जो सुविधा होगा, जिससे इजी आसानी से निकलेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? समझ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे याद रखना थोड़ा सा कि इसमें जो हम लोग बंद परिपथ यूज करेंगे कैसा परिपथ होगा? आयताकार परिपथ होगा। कैसा परिपथ होगा? ये तो हम लोग को रचना करना पड़ेगा। अरे भाई एम्पियर का परिपथीय नियम हमेशा बंद परिपथ में लागू होता है। कहाँ लागू होता है? इसको एम्पियर का परिपथीय नियम लगाने के लिए यहाँ बंद परिपथ लेंगे कि नहीं लेंगे? तो याद रखना थोड़ा सा कि यहाँ पे जो बंद परिपथ यूज करेंगे हम लोग, कैसा बंद परिपथ यूज करेंगे? आयताकार। क्या यूज करेंगे? तो लिखो, रचना लिख के डैश दे दो, तबे ना एम्पियर का परिपथीय नियम लागू होगा। रचना लिख के डैश दो, रचना लिख के डैश दिया, लिखो लिखो, परिनालिका से होते हुए एक बंद परिपथ, ए बी सी डी आयत, ए बी सी डी आयत है ना, ए बी सी डी आयत, ए बी सी डी आयत की कल्पना की गई, ए बी सी डी आयत की कल्पना की गई है ना, याद है ना? इसका नाम हम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, इसका नाम सी देते हैं, इसका नाम डी देते हैं। लिखा ना? हो गया?
फिगर छापना है, छापो। अगला संडे को एकदम लंबा क्लास देंगे, समझा कि नहीं, एगो ताकि 15 मतलब 10 दिसंबर तक कम से कम लोग ऑप्टिक शुरू करना है। क्या शुरू करना है? 10 दिसंबर से, समझा कि नहीं है? हाँ सर, ये नहीं, एक और चैप्टर है अभी, एसी पढ़ेगा ना, एसी नहीं पढ़ेगा तो कैसे होगा? अरे वो वाला एसी ना, अरे बाबू ये वाला एसी अल्टरनेटिंग करेंट है कि नहीं है? एसी का नाम सुन के खुश हो गया है। हुआ? क्या समझा कि नहीं समझा? अब याद करो थोड़ा, एम्पियर का परिपथीय नियम अगर याद है, धुंधला धुंधला तो काम आ जाएगा, याद है? देखो एम्पियर का परिपथीय नियम में हम लोग चूज करते थे, छोटा सा लेंथ लेते थे, बोलो हाँ या ना, ये छोटा सा लेंथ क्या लेते थे, बोलो डीएल, बोलो हाँ या ना। बीएसएल लॉ भी तो था वहां डीएल के लिए था, लेकिन एम्पियर का परिपथीय नियम में ऐसे ही किए थे, याद है कि नहीं? भूल जाता है तुम लोग, यही तो गलती करता है। यहाँ पे एक छोटा सा भाग क्या लिए थे, बोलो डीएल। डीएल की दिशा कैसे निकालते थे, यहाँ पे खींचते थे स्पर्श रेखा, हम बोले थे इसको स्पर्श रेखा नीचे भी खींच सकता है, ऊपर भी, सुविधा के हिसाब से। अरे बोलो हाँ ना, तो मान लो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा हम खींचे ऐसे, लो ये किसकी दिशा बताएगा, बोलो डीएल की दिशा। किसकी दिशा बताएगा? डीएल। अब बताओ यहाँ पे चुंबक के क्षेत्र बी की दिशा बताओ भाई, चुंबक के क्षेत्र बी की दिशा इसी पर। बोले सर ये वाला साउथ पोल, ये वाला कौन सा पोल और ये वाला कौन सा पोल, अभी तो पढ़ा है, ये वाला साउथ पोल और ये वाला नॉर्थ, मतलब चुंबकीय बल रेखा परिनालिका के अंदर कहां से कहां किधर जाएगा, साउथ से। तो मतलब यहां पर फिर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये किसकी दिशा बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा। मतलब यहां पर बी की दिशा भी ऐसे और डीएल की दिशा भी ऐसे, तो इन दोनों के बीच का कोण यहां पे 0 थीटा इक्वल हो गया 0 डिग्री। निकालना क्या है, निकालना है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बी के व्यंजक को प्राप्त करें। अरे बोला है ना, तो परिनालिका के अंदर बी की भी दिशा ऐसे, अरे बोला है ना, और डीएल का भी दिशा ऐसे, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा इक्वल क्या हो गया 0 डिग्री। चलो यहां के लिए बात करते हैं, यहां पर भी एक छोटा सा लेंथ हम लोग कट करेंगे, तो डीएल की दिशा इधर ऊपर बताएगा डीएल, बोला है ना, लेकिन बी की दिशा यहां पर ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 9। बी की दिशा हमको यहां ऐसे निकालना, अरे समझ रहा कि नहीं, तो बी की दिशा यहां पर इस दिशा में, अरे अंदर में ही निकालना है ना, तो अंदर में चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा ऐसे, डीएल की दिशा ऐसे, इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। क्या बात समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना। चलो यहां पर देखो, यहां पर भी एक छोटा सा लेंथ लेंगे, क्या लेंगे बोलो डीएल, अरे बोलो हाँ या ना, यहां पर भी डीएल लेंगे, अरे बोलो हाँ या ना, तो डीएल लेंगे, मान लो डीएल की दिशा हम इधर लेते हैं, बोलो कोई दिक्कत है? और देखो चुंबकीय क्षेत्र बी की भी दिशा किधर है, इधर है, अरे है कि नहीं है, तो बी की भी दिशा इधर आएगा, यहां पर भी दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री 0 डिग्री। और अगर थोड़ा सा कहानी याद है तो बता, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान क्या होता है 0, याद आया? परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान 0, अरे अंदर की तुलना में बाहर को नगण्य मानकर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, याद है कि नहीं? ये बहुत बाहर है तो उसको नगण्य मानकर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। चलो यहां पर भी देख लो, यहां पर भी एक छोटा सा लेंथ कट करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे डीएल। मान लो डीएल की दिशा इस बार हम इधर ले लिए और बी की दिशा किधर निकालना है, अरे बोलो हाँ ये ना, तो इन दोनों के बीच का भी एंगल कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। कोई तकलीफ है तो बोलो। अब हम लोग लगा देंगे एम्पियर का परिपथीय नियम, लगता है कि नहीं? तो लिखो एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से। हाँ इसको बना लो,
कोई तकलीफ है तो बोलो, अभी तक तो नहीं होगा। एम्पियर का परिपथीय नियम बोलनी हम बोलो, याद है चुंबक के क्षेत्र B का रेखा समाकलन। अरे बोलो हाँ ये ना, अरे किसी बंद परिपथ में चुंबक के क्षेत्र B का रेखा, तो इस बंद परिपथ में चुंबक के क्षेत्र B का रेखा समाकलन बोलेंगे इंटीग्रेशन। बोलो याद है ना, वेक्टर B डॉट वेक्टर dl, याद आया पूरे बंद परिपथ में इक्वल टू क्या होगा बोलो, बंद परिपथ के अंदर से बहने वाली कुल धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है, कि म्यू नॉट गुना के बराबर, अरे बोलेगा म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। ये क्या है, ये पूरे बंद परिपथ से संबंध चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखा समाकलन। इसका मतलब इस पूरे बंद परिपथ, देखो ना यहाँ क्या लगा हुआ है बोलो, सर्कल। सर्कल मतलब क्या है, जो भी काम है हो रहा है बंद परिपथ में हो रहा है, अगर सर्कल हटा देंगे मतलब टूट गया होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब इसी को हम तोड़ेंगे, गॉस थ्योरम याद है, अगर इसी को तोड़ेंगे तो कई पार्ट में टूटेगा, चार, क्योंकि इस बार कई हिस्सा है, चार, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर है, बोला है ना, तोड़ेंगे तो कितना पार्ट में टूट जाएगा, चार, क्योंकि ये पूरा सर्कल क्या बता रहा है, इस पूरे बंद परिपथ के बारे में बता रहा है, बता रहा है कि नहीं, तो जब इसको तोड़ेंगे हम तो कई टुकड़ा में बढ़ जाएगा, चार, तो चार टुकड़े बताएगा ना। अरे गॉस थ्योरम में भी तो पढ़ाए थे ऐसे ही, याद आ रहा है, तो याद रखना ये क्या है बोलो, चुंबक के क्षेत्र B का रेखा समाकलन। जोर से बोलो, चुंबक के क्षेत्र B का बंद परिपथ के अंदर से बहने वाली कुल धारा, बंद परिपथ के अंदर से बहने वाली के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है, यही था ना, लिखो यहां क्या लिखा गया बोलो, तो बंद परिपथ के अंदर से बहने वाली कुल धारा, चलो लिखो, लिखा कि नहीं लिखा, यहां तो कोई दिक्कत है, चलो देखो यहां इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा, पढ़ाए कि नहीं, अरे बोला हाँ या ना, ठीक है, इक्वल टू, अब देखना है कि बंद परिपथ के अंदर से बहने वाली कुल धारा कितना है, इस परिपथ के अंदर कितना कुल धारा बह रहा है कि नहीं है, चलो देखो ये से बहने वाली कुल धारा कितना है हम लोग चेक करते हैं। देखो तो बाबू याद करो, कहानी बताओ, कहानी याद है, देखो सुनो सुनो सुनो, एकांक लंबाई में लपेट की संख्या कितना है, n, बोला है ना, एकांक लंबाई में लपेट की संख्या, इस पूरे परिनालिका की लंबाई कितना है, l, अगर एकांक लंबाई में लपेट की संख्या n है, अगर एकांक लंबाई में लपेट की संख्या n है, अरे समझ रहा कि नहीं, तो l लंबाई में लपेट की संख्या कितना होगा, एल एन, ये कुल लंबाई में लपेट की संख्या आया, तो कुल लंबाई में लपेट की संख्या कितना है, एल एन, एल एन है ना। आप सुनो आगे कहानी, अगर एक लपेट से बहने वाली धारा आई है, एक लपेट से बहने वाली धारा, तो मेरे पास कुल लपेट कितना है, ln, कुल लपेट कितना है, ln, तो अगर एक लपेट से बहने वाली धारा आई तो ln लपेट से बहने वाली धारा कितना होगा, ln i, यानी कि इस पूरे कुल लपेट से बहने वाली जो धारा होगा वो कितना होगा, ln i, बात समझ में आया, मतलब इस बंद परिपथ के अंदर बहने वाली कुल धारा कितना है मेरे पास, ln i, तो यहां लिखेंगे ln i, लिखिए यहां लिखेंगे एल एन आई, इसको साइड में लिख लेना, एल एन आई और इनटू म्यू नॉट, ठीक है बोलो, यस सर, बच्चा पढ़ेगा सीरियस होके क्रेश कोर्स में ही, हमको पता है कि नहीं, सब चाहता है कि 10 दिन 15 दिन में हमको कोई पढ़ा दे अच्छा से, है कि नहीं, और पास कर जाएं, इसलिए जो तो शुरू से जो मेहनत किया उसका गारंटेड है कि उसका अच्छा रिजल्ट होगा, एकदम गारंटेड रिजल्ट अच्छा होगा, समझा कि नहीं, और जो 10 दिन का ख्वाब देख रहा है ना उसके लिए रिजल्ट होगा नॉर्मल होगा, नॉर्मल नहीं समझता है, सेकेंड डिवीजन करेगा,
250 नंबर आएगा, 250 नंबर में खुश हो जाएगा एकदम, पूरा एकदम तांडव करने लगता है 250 नंबर। सही बता रहे हैं, उन लोग के लिए उतना काफ़ी है, लेकिन जो शुरू से एकदम मेहनत करता है उसको कम नंबर आ जाता है ना 10 नंबर तक रोने लगता है। देखो इन लोग अब इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कितना पार्ट में टूटेगा, चार, नहीं चार छोड़ो, ये क्या है जल्दी बताओ, ये पूरा बोलो लाइन क्या है, बंद पूरे बंद परिपथ से संबंध चुंबक क्षेत्र बी का रेखा समाकलन है ना। तो इस बंद परिपथ कितना टुकड़ा से मिलकर ये बंद परिपथ बना है, चार, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, बोला है ना, मतलब इस पूरे बंद परिपथ से संबंध चुंबक क्षेत्र है इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, अरे बोला है ना, और बी इसी को तोड़े तो आया बी डीएल कॉस थीटा, जब इसको भी तोड़ेंगे तो कितना पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, चार, कितना पार्ट में, चार, बोलो कोई तकलीफ, गॉस थ्योरम में भी तो ऐसा ही किए थे। चलो यहाँ इसको तोड़ो, चार भाग में बांट दो, क्योंकि अब इसको ओपन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलो, समझ रहा है कि नहीं, चलो तो बोलो अलग अलग, बोले सर कहां से शुरुआत करें, ए से बी करते हैं, फिर बी से कहां जाएंगे, सी, फिर सी से कहां आएंगे, डी, और फिर डी से कहां आएंगे, ए, क्लोज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब इसको तोड़ना है क्लोज बना के। देखो यहाँ पहला तो कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होगा, ए से लेके बी तक आएगा क्या बाबू, बी डी एल कॉस थीटा प्लस होगा, बोला है ना, इंटीग्रेशन फिर कहां से कहां जाएंगे, बी से लेके सी तक, बोलो कहानी, बी डी एल कॉस थीटा प्लस, बोलो फिर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, सी से डी तक, सी से डी तक क्या लिखेंगे बोलो, बी डी एल कॉस थीटा, अरे बोलो है ना, फिर प्लस देंगे कहां से कहां तक आएंगे, डी से लेके ए, क्लोज हो गया कि नहीं हो गया, अरे बोलो है ना, नहीं हुआ क्लोज, तो क्या लिखेंगे बोलो, बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल क्या लिखेंगे बोलो, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू इतना होगा एल एन आई और इंटू क्या हो जाएगा म्यू नॉट, कोई तकलीफ नहीं, नहीं ना, तो लिखो सोच के रहा, हो गया बाकी नहीं हुआ, हुआ ना, चलो अब देखो गौर से सुनो, हम समझा देते हैं, ए से बी के बीच का एंगल कितना डिग्री है, जीरो डिग्री, इतना तो समझ जाएगा, मिटा देते इसको भी, देखो गौर से सुनना, ए से बी दिख रहा है ना, तो ए से बी के बीच का एंगल कितना डिग्री है, जीरो डिग्री, तो यहाँ जीरो डिग्री पुट करना है, तो इंटीग्रेशन ए से जाएंगे बी, लिखेंगे बी डी एल और कॉस कितना डिग्री हो जाएगा, जीरो। अब सुनो आगे तुम लोग जानता है, सुनो अब ये कितना है, बी से सी, बी से सी का एंगल कितना डिग्री, 90, कॉस 90 वैल्यू जीरो, डायरेक्ट पुट कर देंगे क्या, जीरो, समझ रहा है ना, प्लस बोलो, उसके बाद देखो बी कहां से आएंगे, सी से डी, तो सी से डी तो बी जीरो होता है, अगर बी जीरो तो पूरा टर्म जीरो, तो ये भी जीरो हो गया, अरे बोलो है ना, फिर आएंगे डी से ए, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये जीरो इक्वल टू कितना होगा, एल एन आई और इंटू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, इसका वैल्यू वन हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक चलेंगे, ए से बी तक, बी डी एल ये हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, साझा के लिखे ना, म्यू नॉट एल एन आई, बोलो कोई तकलीफ, टुकु टुकु क्या देख रहा है, जी सर, हाँ सर, सी से, अरे भाई तो बी ए जीरो हो गया ना, तुम समझा कि नहीं, हाँ 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 बी जीरो है ना, तो पूरा ए को जीरो मतलब पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, चलो ये समझ में आ गया, यहाँ देखो यहाँ समझा ना, अब बी निकालना है तो बी बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक और इंटू क्या लिखेगा, डी एल इक्वल टू का म्यू नॉट एल एन आई, कोई तकलीफ, अब सुनो ए से लेके कहाँ तक इंटीग्रेशन हो रहा है, बी से, ए से लेके बी तक इंटीग्रेशन हो रहा है, डी एल का मतलब होता है छोटा सा लेंथ, अरे बोला है ना, और इंटीग्रेशन डीएल का मतलब पूरा ए से लेके बी तक, ले पूरा ए से लेके बी तक लेंथ कितना है, एल, इसके जगह क्या लिख देंगे, एल, तो फाइनली मेरे पास आ गया बोलो बीएल और इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट एल एन आई, एल से एल लुढ़क गया तो आया बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, समझ में आ गया कि नहीं, अरे समझा कि नहीं,
इसका मतलब कि परिनालिका के अंदर चुंबक क्षेत्र बी का मान कितना होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। कोई तकलीफ? नोट डाउन करो, मस्त है ना, फिजिक्स इजी है नहीं इजी है, पढ़ेगा तो ना ठीक से। ये सब पूछते रहता है एग्जाम है ना, डेरिवेशन ध्यान रखना, समझा कि डार्क क्वेश्चन भी चेंज नहीं होगा, एकदम ऐसे ही लिखा रहेगा, एम्पियर के परिपथीय नियम की क्या क्वेश्चन बैंक में देखना, समझा कि नहीं, पूछा भी है बहुत बार एग्जाम में, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से परिनालिका के अंदर चुंबक के क्षेत्र बी के व्यंजक को प्राप्त करें, अरे ऐसे ही करना है, समझा कि नहीं, तो बढ़िया से खाली राइटिंग बना के खाली लिख के आना ना, नंबर नहीं काटेगा, एकदम सॉलिड नंबर देगा। तो गोबर करके आ जाना, फूड बाग कहीं का ठीक से लिखना बढ़िया से, वो जो आकाश इन लोग है जो पिछला बार टॉपर किया था, उन लोग का राइटिंग जबरदस्त था, देखा है उन लोग का फेयर कॉपी बना के रखा होगा, धुआंधार बना के रखा है, देखा है तुम लोग, देखो बुला के खर्चा पानी देगा तुम, इससे खाली बुलाता है और उस लोग को ऐसे ही भेज देता है, तो कैसे हो? सुसेन का तगड़ा राइटिंग था, हाँ तीनों का, सुसेन भी था, आकाश भी था, और क्या नाम था एको, तपन, हाँ तो जो भी था, तीनों का राइटिंग जबरदस्त था। चलो देखो, हो गया ये समझ में आ गया, नेक्स्ट सवाल लिखो जल्दी, एक और टोरोइड खत्म हो जाएगा, लिखो एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से लिखा, क्या लिखा, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से टोरोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करें, टोरोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करें। किसके अंदर बात कर रहे हैं? टोरोइड। अब तुम लोग जानता है कि टोरोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, है ना, आप सुनो, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, बहुत अच्छा बात है, तो लिखो सीधे माना कि एक टोरोइड है, लैंग्वेज तो थोड़ा सा लिखना ही पड़ेगा, लिखो माना कि एक टोरोइड है, सबर करो थोड़ा सा, हो गया, माना कि एक टोरोइड है जिसका केंद्र ओ तथा त्रिज्या स्मॉल आर है, ठीक है, जिसका केंद्र ओ त्रिज्या स्मॉल आर है, टोरोइड के अंदर एक बिंदु पी है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करना है
चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करना है। टोरॉइड का पिक्चर नहीं बना दिया थे क्या? ओहो ठीक है, यहाँ बता देते। तो क्या है टोरॉइड, क्या था जल्दी बताओ? जब परिनालिका को मोड़कर एक वृत्त का रूप दे दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बोलो टोरॉइड। अरे यही ना, मतलब कि परिनालिका को हम लोग मोड़ के क्या बना देंगे? बोलो एक वृत्त बना देंगे। अरे बोलो हाँ, है ना। हाँ, अरे को क्या लपेट देना है? बोलो कुंडली। ये बहुत ही पतला होता है, पतला होता है कि नहीं? इसका व्यास बहुत ही पतला, अरे बताएं कि नहीं, लंबाई के तुलना में व्यास बहुत क्या होता है? छोटा। तो ये बहुत पतला होगा और इसमें एक कुंडली लपेट देंगे, कॉपर की एक कुंडली क्या करेंगे? लपेट देंगे। ऐसे करके एक कुंडली लपेट देंगे। इसी का नाम क्या है बच्चा? बोलो जल्दी, टोरॉइड। इसे आई करंट पास कर देंगे और इधर से आई बाहर आएगा। बोलो हाँ, ये ना। इसी को क्या बोलते हैं? बोलो टोरॉइड। क्या बोलेंगे? टोरॉइड। क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? टोरॉइड। इस टोरॉइड का केंद्र ओ है और इसका जो तिरजा जो है ना, इसका बीच से लिया जाता है। कहां से लिया जाता है? बीच। इसका बीच से। तो इसके बीच में एक पॉइंट क्या है? बोलो पी है। और पी पॉइंट पर हमको चुंबक के क्षेत्र बी के व्यंजक को क्या करना है? प्राप्त करना है। समझ में आ गया? तो टोरॉइड का जो रेडियस है कहां से काउंट करना है? बोलो इसके बीच से, क्योंकि ये बहुत ही क्या होता है? बोलो पतला। समझ में आ गया ना? ये बहुत ही क्या होता है? तो इसका रेडियस हमेशा कहां से काउंट किया जाता है? टोरॉइड के बीच से। कोई तकलीफ नहीं ना? छापो। जिद्रो से देना है दो ना, तू टेंशन क्या ले रहा है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। हो गया? यहां पे देखो, यहां पे करंट ऐसे जा रहा है, बोला है ना, समझ रहा है कि नहीं? तो यहां पे अगर करंट ऐसे जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉक में, तो ये वाला नॉर्थ और ये वाला साउथ। कोई तकलीफ? अच्छा सुनो, हम बोले कि एम्पियर का परिपथीय नियम हमेशा बंद परिपथ में लागू किया जाता है। तो यहाँ पे बंद परिपथ लागू करना, तो कैसा बंद परिपथ याद रखना थोड़ा सा। यहाँ पे जो हम लोग बंद परिपथ यूज करेंगे वो है वृत्ताकार। क्या यूज करेंगे? हम बोले सुविधा के लिए यूज किया जाता है, समझा कि नहीं? तो यहाँ पे एक वृत्ताकार याद रखना। तो पी बिंदु से होते हुए, मतलब टोरॉइड के अंदर से होते हुए, अरे बोलो यार, रचना लिख के दे दो। रचना लिखेगा, अर्चना मत लिख देना। देखो यहाँ लिखो, टोरॉइड के अंदर से होते हुए एक बंद वृत्त की कल्पना की गई। अरे इसके बीच से सिर्फ एम्पियर का परिपथीय नियम लागू करने के लिए हम लोग को बंद परिपथ लेना है, बस। धारा तार से भोएगा? अरे यार सुनो, इसके बीच में जो खोखला होगा उसके बीच में क्या करेंगे? बंद परिपथ हम लोग मान लेंगे, समझा कि नहीं? कल्पना करना है, समझा कि नहीं? एम्पियर का परिपथीय नियम लागू करने के लिए। चलो लिखो यहाँ, बहुत दिमाग लगा रहे, कम लगाओ। चलो लिखा, रचना नहीं लिखा, लिखो टोरॉइड के अंदर से होते हुए एक बंद वृत्ताकार, ये सीधे लिखो नहीं, बंद वृत्त। हाँ, एक बंद वृत्त की कल्पना की गई। देखो, टोरॉइड के अंदर से होते हुए एक बंद वृत्त की कल्पना की गई, एक बंद वृत्त की कल्पना की गई। कर लिया? किसकी कल्पना किया? बंद। अब सुनो, फिर कहानी याद करो। यहाँ पर एक छोटा सा भाग लेंगे, क्या बोलो? डीएल। अरे बोलो यार, क्या लेंगे? डीएल। तो यहाँ पर डीएल की दिशा ऐसे, अरे बोलो हाँ, ये ना। अब देखो, टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? हमेशा साउथ से कहाँ जाएगा? नॉर्थ।
तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, कुछ इस प्रकार उत्पन्न होगा। अरे बात समझ में आ गया? अरे समझ रहा है ना? तो गौर से सुनना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा साउथ से जाएगा किधर? नॉर्थ में। तो यहाँ पर होगा बी की दिशा ऐसे। इन दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री आ गया? 0 डिग्री। कोई तकलीफ नहीं ना? बी की दिशा ऐसे, डीएल की दिशा ऐसे, दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री। ठीक है ना? अब हम लोग लगा देंगे क्या? एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या लगाएंगे? एम्पियर का परिपथ। लिखो एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से। एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से लिखा कि नहीं? क्या लिखा? एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से क्या होता है? एम्पियर का परिपथीय नियम तुम लोग बताओ। किसी बंद परिपथ में चुंबक क्षेत्र बी का रेखा समाकलन, याद है कि नहीं? किसी बंद परिपथ में चुंबक क्षेत्र बी का रेखा समाकलन, तो करो चुंबक क्षेत्र बी का रेखा समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू क्या होगा? बंद परिपथ के अंदर से बहने वाली कुल धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। लिख लेगा? लिखो जल्दी। हाँ, और 2 मिनट बर्दाश्त करो। हाँ तो रुको 12 मिनट अभी। कभी जी तुम लोग कहीं कहाँ क्लास रहता है ना, हम क्या कर सकते हैं? आराम से रो ना, धूप लो ना, ठंडा के दिन क्या दिक्कत है? विटामिन डी मिल रहा है तो ले लो। क्या जॉब कर रहा है? तुम लोग रुको ना, थोड़ा सा बर्दाश्त करो। हो गया लिखा? अरे बोलो हाँ या ना। तुम लोग क्या उन लोग को देख रहा है? तुम लोग यहाँ देखो, दिखा ये, कोई तकलीफ? ये क्या है? बंद परिपथ के अंदर से बनने वाली कुल धारा। इसको तोड़ो तो बोलेंगे ये इंटीग्रेशन। बोलो बी डी एल कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना। बी डी एल क्या लिखागा? कॉस। बंद परिपथ के अंदर से बनने वाली कुल धारा। फिर कहानी याद करो। अरे याद है, एकांक लंबाई में लंबी डिस्टेंस कितना है? एन। एकांक लंबाई में लंबी डिस्टेंस क्या? एन। तो एन लंबाई में लंबी डिस्टेंस क्या? एल एन। लेकिन रुक जाओ, इस वृत्ताकार पथ की लंबाई कितना है? 2πr। क्या है? 2πr। इस पूरे वृत्ताकार पथ की लंबाई 2πr, मतलब एकांक लंबाई में लंबी डिस्टेंस क्या? एन है। तो 2πr लंबाई में लंबी डिस्टेंस क्या? 2πr एन। कोई तकलीफ? अब सुनो, एक तार से बहने वाली धारा कितना है? I। एक तार से बहने वाली धारा, जोर से बोलो, एक तार से बहने वाली धारा I। तो कितना तार है मेरे पास? इतना है। अरे सुनो, एक तार से बहने वाली धारा कितना है? I। तो कितना लपेट है मेरे पास? मतलब सुनो, एक लपेट से बहने वाली धारा कितना है? I। अरे लपेट मतलब समझ रहा है ना, एक लपेट से बहने वाली धारा कितना है? I। तो मेरे पास कितना लपेट है? 2πrn लपेट है। अरे समझ में आएगी नहीं? तो एक लपेट से बहने वाली धारा आई, तो 2πrn लपेट से बहने वाली धारा, 2πrn लपेट से बहने वाली धारा कितना होगा? 2πrn I। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ लिख देगा इसके अंदर 2πrn I और इक्वल टू क्या होगा? बोलो म्यू नॉट। कोई तकलीफ? देखो जल्दी। हे महाराज, बी इक्वल टू म्यू नॉट आना चाहिए ना। हाँ लिख लिया। अरे वाह, बड़ा फास्ट है तुम। चलो ठीक है। अच्छा, थीटा इक्वल कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री। अब हम सॉल्व कर दे, देखो इंटीग्रेशन या बी डी एल कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1 या 2 पाई आर एन आई और इनटू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट। यहां लिखेंगे इंटीग्रेशन बी और डी एल, बोलो यार, इक्वल टू का 2 पाई आर एन आई और इनटू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं, हमको बी निकालना है बाहर, तो बी बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन और क्या करेंगे? बोलो डी एल और इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई आर एन आई और इनटू क्या होगा? म्यू नॉट। एक मिनट, डीएल का मतलब छोटा सा लेंथ, इंटीग्रेशन डीएल का मतलब पूरे वृत्ताकार पथ का लेंथ, और पूरे वृत्ताकार पथ का लेंथ 2 पाई आर। क्या होगा? 2 पाई आर। तो यहां लिखेंगे बी, अरे लिखेंगे ना, और इसके जगह क्या लिख देंगे? बोलो 2 पाई आर। अरे बोलो हाँ या ना। इंटीग्रेशन डीएल के जगह क्या आ जाएगा? 2 पाई आर। अरे डीएल का मतलब छोटा सा लेंथ, और इंटीग्रेशन डीएल का मतलब पूरे वृत्ताकार पथ का लेंथ, तो पूरे वृत्ताकार पथ का लेंथ कितना होगा? 2 पाई आर। जोर से बोलो 2 पाई आर। समझ में आ गया? इक्वल टू 2 पाई आर एन आई और इनटू क्या होगा? बोलो म्यू नॉट। कैंसिल होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या हो गया? कैंसिल। तो b इक्वल टू आया, सजा के लिख दो, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब टोरोइड के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र b का मान क्या होता है? b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई।
चलो आज इतना ही रखो।